हे साईनाथ, आपकी कृपा सब पर रहे, हर कोई सुखी रहे, आपका आशीर्वाद सदा सबके साथ रहे। साईनाथ, आप साईनाथ यहाँ? मेरा सौभाग्य है साईनाथ कि आपने मुझे दर्शन दिए। आइए आइए ना, अपने चरण कमलों से मेरे घर को भी पवित्र कीजिए। हाँ, आज्ञा साईनाथ। तुम्हारे आसपास ही एक योगाभ्यासी रहता है। मैं उसे ढूंढ निकालूंगा साईं बाबा। उस योगी ने पतंजलि योग सूत्र और योग शास्त्र के विशेष ग्रंथों का अध्ययन किया है नाना। नाना, ज्ञान तब समृद्ध होता है जब ज्ञान के पीछे व्यवहारिक अनुभव होता है। ये योगाभ्यासी व्यवहारिक अनुभव से वंचित रहा है, तभी तो मन को एकाग्र नहीं कर पा रहा है। मन एकाग्र नहीं हो रहा है तभी तो समाधि प्राप्त नहीं हो सकती उसे। मेरे लिए क्या आज्ञा है साईं बाबा? नाना, तुम उसे शिरडी लेकर आओ। समाधि कैसे प्राप्त की जाती है इसकी शिक्षा मैं उसे दूंगा। जो आज्ञा साईं बाबा। नाना, उदास क्यों होते हो? जब तुम उस योगाभ्यासी के साथ शिरडी आओगे तब हमारी भेंट होगी ही होगी। मैं अपने भक्तों को शिरडी बुलाकर उनका मार्गदर्शन करता हूँ, उन्हें उनके उद्धार के मार्ग पर ले चलता हूँ, भक्तों की चिंता का बोझ उठाता हूं और उन्हें चिंता से मुक्ति भी देता हूं। अपने भक्तों के उत्कर्ष के लिए मैं सदा चिंतित रहता हूं। सबका मालिक एक। कौन आया होगा? अरे किशन भैया आ गए। साईं बाबा का भक्त और कौन? नाना वली, दीपावली आ रही है, अब साईं बाबा के भक्त साईं बाबा का आशीर्वाद लेने शिरडी आएंगे ही। कौन है ये लोग? गुरुजी के पहचान वाले हैं, नासिक में रहते हैं, शंकर भाव। शंकर भाव? हाँ। चलिए। भगवान पर आस्था है इनकी और साईं बाबा पर श्रद्धा है। शगुन जी नमस्कार। नमस्कार शंकर भाव, इस बार तो शिरडी में आप बहुत दिनों के बाद आए हैं। हाँ, जब साईं बाबा बुलाते हैं तभी तो यहाँ आने को होता है ना शगुन जी। साईं बाबा ने इस वक्त किस लिए बुलाया है आपको? लीजिए चाय पीजिए। हाँ लीजिए लीजिए। हाँ। पीजिए, शर्माइए मत। मैं नाना वली हूँ। हाँ। बाबा का हनुमान। हम दोनों ना बाबा के भक्त हैं। अरे बाबा के आशीर्वाद से तो ये चाय की दुकान चलाते हैं। जय साईं। साईं बाबा की आज्ञा और आशीर्वाद मिल जाए
तो हम हमारे गांव में साईं बाबा का एक छोटा सा मंदिर बनाना चाहते हैं। मंदिर? अरे ये तो बहुत अच्छा सोचा है आपने। परंतु नानावली, क्या साईं बाबा मंदिर बनाने की आज्ञा और आशीर्वाद देंगे? ये तो बाबा ही बता सकेंगे। अरे आप सब लोग यहाँ हैं? साईं बाबा की आरती का वक्त हो रहा है। अरे हाँ, चलिए लाओ। शगुन जी मैं भी। हाँ चलिए चलिए, हम लोग आते हैं। चलो। सुनिए किशन, चलो। बाबा की आरती किशन शुरू हो गई। तो मैं क्या करूं भाभी? हमें आरती में शामिल होना है बेटा। तो ठीक है, आप दोनों जाकर आरती में शामिल होइए ना। तो तुम अपनी बात पर अटल हो किशन। हाँ भैया, मैं ना ही किसी मंदिर में जाऊंगा और ना ही कहीं और। मुझे ना ही द्वारिका माई में ना ही साईं बाबा में कोई विश्वास है। मेरे लिए ये सब एक ढकोसला है, बकवास। हमारा किशन इतना नास्तिक कैसे हो गया जी? लेकिन किशन, हम लोग तुम्हारे लिए शिरडी आए हुए हैं ना। बाबा के दर्शन करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। मुझे साईं बाबा के आशीर्वाद की कोई आवश्यकता नहीं है भाभी, मुझे नहीं चाहिए आशीर्वाद। किशन भैया, आप दोनों के तो आशीर्वाद है ना मेरे साथ। मैं आपके कहने पर शिरडी आ गया हूँ ना, अब मुझे साईं बाबा के दर्शन के लिए मजबूर मत कीजिए। मेरा किसी भी देवी देवताओं पर विश्वास नहीं है। मेरे लिए आप ही मेरे देवी हैं और आप ही मेरे देवता। अपने आप को साधु संत कहलाने वाला, अपनी आरती करवाने वाला वो साईं बाबा ढोंगी है, पाखंडी है। कि संत तुम अपनी हद पार कर रहे हो। मेरी इच्छा आपके दिल को दुखाना नहीं है भैया, और आप मुझे द्वारिका माई में आने की जिद ना कीजिए। मैं द्वारिका माई नहीं जाऊंगा, यह तय है। कृपा करके आप दोनों जाइए। महाराज की विश्वास क्या है? हमारी श्रद्धा ही हमारा विश्वास है। हमारी आस्था, हमारी भक्ति ही विश्वास है। हमारा प्यार हमारा विश्वास है। हमारा धैर्य हमारा विश्वास है। विश्वास के बिना इंसान श्वास नहीं ले सकता। श्वास लेना भी एक विश्वास है, जो इंसान को कहता है कि तुम जिंदा हो, इस दुनिया में भगवान है, मालिक है। ये भी विश्वास है। इस दुनिया में भगवान नहीं है, मालिक नहीं है, ये भी उनका विश्वास है जो भगवान को नहीं मानते। मालिक
मालिक को नहीं मानते। जब आस्तिक और नास्तिक एक दूसरे से टकराते हैं तब बहस होती है और नास्तिक आस्तिक को ललकारते हुए कहता है भगवान है मालिक है तो दिखाओ, दिखाओ नहीं तो मान लो कि भगवान नहीं है। लेकिन मालिक तो निराकार है, उसका तो कोई आकार ही नहीं है, फिर उसे कैसे देख सकते हो? इंसान ने मालिक को अलग अलग रूपों में देखा और मालिक की अलग अलग मूर्तियां बनी, परंतु मालिक को हम अनुभव कर सकते हैं, हमें मालिक का एहसास हो सकता है, हमें मालिक का साक्षात्कार हो सकता है। राक्षस राज हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद से पूछा, कहाँ है तुम्हारा ईश्वर? प्रहलाद ने जवाब देते हुए कहा, ईश्वर हर तरफ है, हर दिशा में है, कण कण में है, हर किसी में है। तब उसके पिता ने कहा, क्या इस खंबे में भी है? प्रहलाद ने कहा, जी पिताजी। हिरण्यकश्यप ने उस खंबे को तोड़ा और नरसिंह अवतार प्रकट हुआ। हिरण्यकश्यप के लिए साक्षात्कार था। बच्चे अंदर नहीं जाओगे? आप भी तो बाहर ही खड़े हैं बाबा। जो मार्ग से भटक जाता है मैं उसे मार्ग दिखाने के लिए बाहर ही रहता हूँ। मैं मार्ग से नहीं भटका। जो भटक गए हैं उन्हें कहाँ मालूम होता है कि वो भटक गए हैं, लेकिन जब उन्हें अपनी मंजिल नहीं मिलती तब एहसास होता है कि वो भटक गए हैं। मुझे अपनी मंजिल का पता है बाबा। अच्छा, अपने भैया भाभी को सुख देना, उन्हें सुखी करना, बस यही तो है मेरी मंजिल। तुम्हारे इरादे तो बहुत नेक हैं बच्चे, लेकिन इरादे में भी जब तक मालिक का आशीर्वाद नहीं मिलता तब तक इंसान उस इरादे पर कामयाब नहीं हो सकता। द्वारिका माई में जाओ, मालिक का आशीर्वाद लो, तुम अपने इरादे में अवश्य सफल होगे बच्चे। प्रणाम बाबा। किशन बाहर बैठा है ना शंकर? द्वारिका माई में उसने कदम नहीं रखा, पानी के पास पहुंचकर भी प्यासा ही रहा, प्यास नहीं बुझा सका। उसे माफ कर दीजिए बाबा। साईनाथ, शंकर भाव अपने गांव में आपका मंदिर बनाना चाहते हैं। इन्हें आशीर्वाद दीजिए ना। सगुण, शंकर को गांव जाने दो। हाँ, जाने दो। मेरे भैया और भाभी का भी कमाल है, किसी भी ढोंगी पाखंडी को भगवान मान लेते हैं, अब वो साईं बाबा का मंदिर बनाना चाहते हैं। हे भगवान, अगर तू कहीं भी है तो मेरे भैया और भाभी को सद्बुद्धि दे,
क्या हुआ भैया, आप दोनों के चेहरे क्यों उतरे हुए हैं? वो बाबा ने मंदिर के बारे में कोई जवाब नहीं दिया। चलो अच्छा ही हुआ, आप दोनों के सर पर से मंदिर बनवाने का भूत तो कम से कम उतर जाएगा। मंदिर बनाना मेरा सपना है किशन। मंदिर में क्या होता है भैया? किशन भाभी, मंदिर बनाने से तो अच्छा है कि हम धर्मशाला बनाए, अस्पताल बनाए, पाठशाला बनाए। मंदिर में क्या होगा, वही ढोंगी पाखंडी साधु। शंकर भाव, कौन है ये? मेरा देवर है। वो शहर में अंग्रेजी सीखता है ना, इसलिए उसका दिमाग ठिकाने पे नहीं है। हाँ हाँ। अब पता चला साईं बाबा ने विश्वास पर प्रवचन क्यों दिया। आपका ये छोटा भाई द्वारका माई के बाहर बैठा था, इसका भगवान पर विश्वास नहीं है, ये जानकर ही साईं बाबा ने प्रवचन दिया। शंकर जी, इससे तो इसे पता चलना चाहिए कि बाबा अंतर्यामी है, मालिक है। बाबा ने आपको अपने गांव जाने को कहा है, आपकी यात्रा सुखद हो। प्रणाम। प्रणाम। चलो सगुण। चलो। अरे भाई, यहाँ कोई योग का अभ्यास करने वाला है? नहीं नाना साहेब। उस योगी ने पतंजलि योग सूत्र और योग शास्त्र के विशेष ग्रंथों का अध्ययन किया है नाना। नाना, तुम उसे शिरडी लेकर आओ। समाधि कैसे प्राप्त की जाती है इसकी शिक्षा मैं उसे दूंगा। साईं बाबा ने तो कहा था कि मेरे आसपास ही वो योगा अभ्यासी रहने वाला है, लेकिन कहाँ? अरे बच्चों, यहाँ कोई योग का अभ्यास करता है? योग? योग? योग क्या होता है नाना जी? ए? अरे राम राम राम। प्रणाम मान्यवर, प्रणाम। प्रणाम। आप? मैं शिरडी का एकमात्र वैद्य, वैद्य राज कुलकर्णी है। अरे हैरान मत होइएगा, वैद्य हूं ना मैं, दूर से ही बीमारी को सूंघ लेता हूँ। किस बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं आप? साईं की बीमारी है। सारे शिरडी में ये समाचार फैला हुआ है कि आप उस ढोंगी साईं का मंदिर बनाने वाले हैं। अरे राम राम राम, वो पाखंडी ढोंगी नालायक, अरे उसका उसका मंदिर है। ये देखिए, आप हमारे बारे में जो चाहे वो कह लीजिए, लेकिन साईं बाबा के खिलाफ एक शब्द भी हम नहीं सुनेंगे। मुर कहीं के बड़े आए उस ढोंगी साईं का मंदिर बनाने वाले। वैद्य जी घर चलिए, रोगी आपसे दवाई लेने के लिए आपका इंतजार कर रहे हैं। सुना, एकमात्र वैद्य हूँ शिरडी का। हाँ मैं इलाज करता हूँ। चलो चलो, बड़े आए उस ढोंगी का मंदिर बनाने वाले। चलो चलो। अरे क्या कहा, अरे गधे नालायक पागल तुम। रुको ठहरो, कागज पत्थर, ये लो पागल, सत्यानाश हो जाए तुम लोगों का। अरे रुको, कहाँ भाग रहे हो? सत्यानाश हो जाए। अरे पागल मैं नहीं, वो ढोंगी साईं है। सत्यानाश हो जाए उसका, सारी शिरडी को पागल बना के रखा है उसने। हाँ। अरे 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 कहाँ भाग रहे हो तुम लोग, रुक जाओ। अरे कहाँ भाग रहे हो? अरे फिर कभी शिरडी में आए ना तो टांगे तोड़ दूंगा। नाल है कहीं के, कह लो सत्यानाश हो जाए तुम लोगों का। चलो भाई चलो। तात्या, तुम्हें जिंदगी के प्रवाह में शामिल होते देखकर मुझे खुशी हो रही है। सदा खुश रहो तात्या, खुश रहो, खुश रहो। बाबा, आपने मंदिर बनाने की इजाजत क्यों क्यों नहीं दी? हाँ साईं बाबा, बताइए ना,
अपने शंकर भाईजान को मंदिर बनाने की आज्ञा क्यों नहीं दी? नूर बाजी, मैंने ये नहीं कहा कि मंदिर मत बनवाओ। बाबा, आपने ये भी तो नहीं कहा कि मंदिर बनाओ। सगुण, मंदिर तब बनता है जब उसमें श्रद्धा, भक्ति, आस्था की नींव डाली जाती है। मंदिर बनाने का उत्साह मंदिर बनाने की उत्कट इच्छा में बहुत बड़ा फर्क है। उत्साह का विलय हो जाता है, परंतु उत्कट इच्छा का विलय नहीं होता, क्योंकि वो हमारी दिली तमन्ना होती है, हार्दिक इच्छा होती है, हमारे दिल की आवाज होती है, जिसे आकार देने के लिए, मूर्त स्वरूप देने के लिए हम जी जान लगा देते हैं। जब हम अपना तन मन धन मालिक के चरणों में लगा देते हैं, जब हमारा श्वास मालिक होता है, जब हमारी प्यास मालिक होती है, और जब हमें सिर्फ और सिर्फ मालिक को पाने की चाह होती है, तब हमारी इच्छा सर्वोच्च बिंदु पर होती है। और हमें मालिक का साक्षात्कार होता है। मालिक कहता है, हमारे लिए घर बनाओ। इस घर को ही हम मंदिर कहते हैं। इसका अर्थ है कि शंकर भाव की आप परीक्षा लेना चाहते हैं ना साईनाथ? सबका मालिक एक। प्रणाम जमींदार साहब। बुरी खबर लाया हूँ सरकार, शंकर शिरडी से लौट आया है सरकार। ये तो अच्छी खबर है। परंतु सरकार, जिस जमीन पर आपकी नजर है, उस जमीन पर शंकर शिरडी के साईं बाबा का मंदिर बनाना चाहता है सरकार। ये तो और भी अच्छी खबर है नंदिया। सरकार, शंकर अगर उस जमीन पर मंदिर बनाएगा तो फिर आप उस जमीन को कैसे हथियाओगे? नंदू, शंकर जैसे लोग हवा में किले बनाते हैं, फिर मंदिर कैसे बनाएंगे? शंकर साईं बाबा की आज्ञा लेकर आया होगा सरकार। नंदू, इस गांव में साईं बाबा की नहीं, मेरी आज्ञा चलती है। शंकर भले ही अपनी जमीन पर मंदिर बनाए, लेकिन उसके लिए उसे आज्ञा साईं बाबा की नहीं, मेरी लेनी होगी। हाँ सरकार, तो अब ये बात मैं जाकर शंकर को कह देता हूँ सरकार, कि उसे जमींदार साहब ने बुलाया है। महालसपति, जब हम दीप जलाते हैं तब प्रकाश फैलता है, उसी प्रकाश उसी रोशनी की तह में अंधेरा होता है। समुद्र मंथन हुआ तब हलाहल नाम का जहर निकला और अमृत भी। ऐसे ही विरोधी तत्वों पर मालिक की ये दुनिया कायम है। इस दुनिया में प्रकाश है, लेकिन साथ साथ प्रकाश को निकलने की हर कोशिश करने वाला अंधेरा भी है। यहां प्यार है, लेकिन नफरत करने वालों की भी कमी नहीं है। यहां भक्ति है, भक्त हैं, लेकिन भक्तों का उपहास करने वाले आसक्त भी हैं, जो आसक्ति में ही लगे रहते हैं। इसी भूमि पर दुष्ट भी निवास करते हैं। तभी तो मालिक को भी अवतार लेना पड़ता है। साईनाथ, भगवान ने विरोधी तत्वों का निर्माण ही क्यों किया था? पाप नहीं होगा तो पुण्य का महत्व इंसान कैसे जानेगा? महालसापति, अंधेरा नहीं होगा तो
प्रकाश से इंसान कैसे प्रभावित होगा? तिरस्कार, नफरत की दीवारें अगर इंसान की जिंदगी में खड़ी नहीं हुई तो इंसान प्यार का करिश्मा कैसे जानेगा? स्वार्थ के होने के कारण ही निस्वार्थ भावना की कदर की जाती है। इंसान को दुष्टता नहीं करनी चाहिए, ये सीख इंसान को दुष्टों का अंजाम देखकर ही मिलती है। महालसापति, सबका मालिक एक। ये रुद्र प्रताप जी हमारी तरफ क्यों आ रहे हैं? ये आदमी कुछ अच्छा नहीं है, इसकी नजर भी बुरी है और इसकी सोच भी। इसका हमारे जमीन पर आना कुछ अच्छा संकेत नहीं है। नमस्कार शंकर भाव। बाबूजी नमस्ते। नमस्कार जमींदार साहब। कैसे हो किशन? शहर में कोई लड़की पसंद आई कि नहीं? जमींदार साहब, यहाँ कैसे आना हुआ? बस आपने संदेशा भेजा और मैं तुरंत पैसा लेकर चला आया। क्या संदेशा, पैसा? हाँ, आप अपनी जमीन बेचना चाहते हैं ना? मैंने ऐसा कोई संदेशा नहीं भेजा है जमींदार साहब। ऐसी बातें मत कीजिए शंकर भाऊ, मैं पूरा पैसा लेकर आया हूँ। नंदू, ये लीजिए। रुपया गिनते गिनते आपके हाथ थक जाएंगे शंकर भाव, लेकिन गिनती कम नहीं होगी। लेकिन हमें हमारी जमीन नहीं बेचनी है जमींदार साहब। हाँ जमींदार साहब, आपको किसी ने गलत संदेशा दिया है। तो उचित संदेशा अब मैं आपको देता हूँ। ये पैसा ले लीजिए और जमीन मुझे दे दीजिए। नहीं जमींदार साहब, घर आई लक्ष्मी को ठोकर मारेंगे शंकर भाव। जमींदार साहब, लक्ष्मी जी का अपमान हम कभी भी नहीं कर सकते। इस मेरी जमीन पर मैं साईं बाबा का मंदिर बनाना चाहता हूं। मगर जमीन अगर मुझे दे देते हो तो मैं साईं बाबा का मंदिर बना दूंगा। लेकिन हमें हमारी जमीन नहीं बेचनी है जमींदार साहब। जमीन तो किसान की माँ होती है, भला माँ को कोई बेचता है? जैसी आपकी मर्जी, मैं आपकी भावनाओं का आदर करता हूँ। मुझे लगा था आप भी मेरी भावनाओं का आदर करेंगे। नमस्ते शंकर भाऊ, ये जमीन मैं अपनी बनाना चाहता हूँ। साधन सीधा या टेढ़ा कुछ भी हो सकता है, अगर मेरी उंगली टेढ़ी हो गई ना तो सब टेढ़ा हो जाएगा। मालिक, तुम्हारे इंसान की परीक्षा की घड़ी आ गई है। अब इंसान के ईमान की परीक्षा होगी। अब परीक्षा होगी कि क्या तुम्हारा इंसान अपने चंचल मन पर काबू रख पाएगा। अब फैसला होगा मालिक की कौन श्रेष्ठ है, पैसा या भक्ति। क्या तुम्हारा इंसान पैसों का मंदिर बनवाएगा या भगवान का? क्या वो तुम्हारा कृतज्ञ होगा या पैसों के मोह में तुम्हें भूल जाएगा? जब जवाब मिलेगा तब तुम भी जान जाओगे और मैं भी, इस दुनिया में सच्चाई और अच्छाई को इंसान के दिल में जगह है या नहीं।
इंसान सच की पूजा करता है या नहीं? जवाब में ही कई प्रश्न छिपे हैं जो दिल को बेचैन कर रहे हैं। मालिक, रहम करो। मालिक मालिक, रहम करो, करम करो। मालिक, दया करो। सबका मालिक एक। तू राम साईं नाथ, तू श्याम साईं नाथ, दिन रात दान दे तेरे हजारों हाथ। शिरडी में तेरी जोत जले, मुन्ना सो गया क्या? आपने एक बात जानी? क्या? कोई दूसरा गाना गाऊं तो हमारा मुन्ना सोता ही नहीं है। परंतु साईं बाबा का गाना सुनते ही वो झट से सो जाता है, यही कहना चाहती थी ना तुम? हाँ। मुझे लगता है कि हमारा मुन्ना बड़ा होकर साईं बाबा का परम भक्त बनेगा। बड़ा होकर ही क्यों, वो तो मेरी कोख में पलते वक्त भी साईं बाबा का भक्त था और आज भी है। कहाँ जा रहे हैं आप? मैं कुछ सामान लेने जा रहा हूँ, तुम भट्टी पर ध्यान दो। आप चिंता मत कीजिए। और तुम बच्चे को तो अंदर सुला दो। नहीं नहीं, वो जाग जाएगा। जरा संभाल कर। हाँ, दीपावली आ रही है, आपको याद तो है ना कि साईं बाबा ने क्या कहा था? दीपावली आ रही बेटी, बच्चे का ध्यान रखना। साईं बाबा ने आखिर ऐसा क्यों कहा होगा? हमें ये नहीं सोचना है कि उन्होंने क्यों कहा, साईं बाबा ने जो कहा है उनकी आज्ञा का पालन करना है। मालिक, तुम्हारा इंसान पागल है, ना समझ है। बच्चे को संभालने का साफ इशारा करने के बाद भी वो इशारे को नजरअंदाज कर रहा है, वो खुद आग से खेल रहा है। मालिक, आग से खेल रहा है और साथ साथ बच्चे के भविष्य के साथ भी खेल रहा है। वो जानता नहीं है कि आने वाली दीपावली में दूसरों के घरों में दीप जलेंगे, दीपोत्सव मनाया जाएगा, लेकिन उसके खुद के घर का चिराग बुझने की कगार पर है। रहम कर मालिक, रहम कर। मेरे द्वारा तुम दूसरों के ईमान की, भक्ति की परीक्षा लेते हो, मेरी परीक्षा तो ना लो। डर लगता है। तुम दयावान हो मालिक, दया करो, करुणा करो मालिक, करुणा। सबका मालिक एक। अब उस योगा अभ्यासी को कहां से ढूंढ कर लाऊं? साईं बाबा ने तो कहा था कि वो मेरे आसपास ही है, कहीं आसपास के गांव में तो नहीं होगा? जी प्रणाम, क्या आप मुझे नाना साहब चांदोरकर का घर दिखा सकते हैं? नाना साहब का घर तो मैं आपको नहीं दिखा सकता,
किंतु खुद नाना साहब चांदोरकर से आपको मिलवा सकता हूँ। नाना साहब, आपका स्वागत है डॉक्टर परमानंद। सच विश्वास नहीं होता कि आपसे इस तरह भेंट होगी। ये तो सब साईं बाबा की इच्छा है, आपको शिरडी के लिए न्योता आया है। किंतु मैंने तो शिरडी आने की योजना ही नहीं बनाई है नाना साहब। मैंने बनवाई है ना, किंतु एक योगाभ्यासी की तलाश है। जैसे ही वो मिल जाते हैं हम तुरंत ही शिरडी के लिए प्रस्थान करेंगे। आप शिरडी आएंगे ना डॉक्टर साहब? अवश्य आऊंगा, इसी बहाने साईं बाबा के दर्शन भी हो जाएंगे। मैं तो बंबई से यहाँ अपने रिश्तेदारों को मिलने आया था। कितना शोर करते हैं आप, मैं यहाँ समाधि लेने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग जोर जोर से हंस रहे हैं, बात कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, मेरी समाधि में विघ्न डाल रहे हैं आप। उस योगी ने पतंजलि योग सूत्र और योग शास्त्र के विशेष ग्रंथों का अध्ययन किया है नाना, तुम उसे शिरडी लेकर आओ। समाधि कैसे प्राप्त की जाती है इसकी शिक्षा मैं उसे दूंगा। ये क्या है, आप हंसते ही चले जा रहे हैं। मुझे ये गांव भी छोड़ना पड़ेगा, अब मैं यहाँ भी समाधि नहीं ले सकता। आपने तो पतंजलि योग सूत्रों और योग शास्त्रों के कई ग्रंथों का अभ्यास किया है, तो इतने अभ्यास के पश्चात भी आप समाधि नहीं लगा सकते हैं? ये आपको कैसे मालूम? मुझे कुछ नहीं मालूम, सब साईं बाबा को पता है। मैं तो आप ही को ढूंढ रहा था। ये सब क्या हो रहा है नाना साहब? इसे कहते हैं साईं बाबा की लीला। जय साईं राम। लीला मैं नहीं, लीला वो करता है, वो मालिक। मालिक? पर मेरे मालिक तो आप हैं। तात्या, मैं तो उसका बंदा हूँ, हुकुम बजाता हूँ उसका। उसकी आज्ञा का पालन करता हूँ, वो जो कहता है वही करता हूँ। लीला वो करता है, करवाता है, मैं देखता हूँ, आनंद लेता हूँ। ये जो तुम अपने चारों तरफ देख रहे हो तात्या, ये सब मालिक की लीला है। कर्म हम करते हैं, करवाता कौन है? वो हमारी उंगली पकड़कर हमें ले जाता है किसी के सामने और कहता है कि झुकाओ सर। हम सर झुका देते हैं बिना ये सोचे, बिना ये जाने कि क्यों झुकाया है। लेकिन वो जानता है, वो मालिक। मेरे साथ भी तो यही करता है वो। किसी की बेटी परेशान है तो मुझे कहता है रास्ता ढूंढो उसकी परेशानी दूर करने का। किसी के प्राण पखेरु उड़ने वाले हैं तो हुक्म भेजता है रोक उसे साईं, अभी उसका यहाँ का काम पूरा नहीं हुआ है, उसके जाने का समय नहीं है। मुझे रोकना पड़ता है तात्या, पर रोकता मैं नहीं, रोकता वो है। वो प्रेरणा वो देता है, उसके भक्तों का मार्गदर्शन मैं करता हूं। मुझे मार्गदर्शक बनाने वाला कौन है? मुझे साईं बाबा बनाने वाला कौन है तात्या? वो ओ मालिक। मैं तो साईं बाबा हूं, फकीर हूं, ये खाली झोली लिए घूमता फिरता हूं, सबसे कुछ ना कुछ लेता ही रहता हूं, देता मैं किसी को कुछ भी नहीं। बस देता हूं तो उसका नाम, जो उसका नाम ले लेता है सुखी हो जाता है, उद्धार हो जाता है उसका।
सबका मालिक। हे 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 हे